गौरव माँ स्वागत है आपका हमारे चैनल शूट आइटम में। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है माना विलेज के ऑन में, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है, जिसमें कि आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम लोग दिखा जाएंगे भीमपुल और बने रहना वीडियो के साथ में, काफ़ी बेटर वीडियो। यहाँ हम रुके हुए हैं, ये पंजाब सिंध क्षेत्र, इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी बेटर है, यहाँ पर आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। साथ में अगर बात करते हैं, ये है पूरा रहने का, और जैसे कि मैंने आपको बताया था के रूम चार्जेस बहुत ही नॉमिनल हैं, कि मतलब अफोर्डेबल। एक्चुअली इस सीज़न में भी अगर इस रेट में आपको रूम मिलता है 200 रुपये पर बेड, दैट्स सो नाइस यार। अभी हम लोग जा रहे हैं माना विलेज, यहाँ से तो ये काफ़ी स्टीव है, यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर माना विलेज है। रास्ता यहाँ से होते हुए जाता है मार्केट से होते हुए, और जो वादियाँ हैं ना, ओहो है पर्ची है। कब से स्टार्ट की पर्ची? कब से? लास्ट ईयर तो आए हम, लास्ट ईयर नवंबर में, नवंबर में तो अंकल उस टाइम जिनका ये पार्किंग खुला होगा ना, उस टाइम ये पार्किंग का काम चला था। पार्किंग की पर्ची है ये, पार्किंग जो ये पार्किंग का काम चला था उस टाइम पर्ची काटने का मन था। अब ये नया बन गया तो काम सब की है पर्ची यार, साइड पे लगाना है। तो भाई लगभग पहुंच गए हैं माना विलेज हम लोग। यहाँ से लगभग एकदम सामने आप देख पा रहे हो, वो सामने माना विलेज है पूरा, वो माना विलेज है ऊपर तक, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है माना विलेज। नॉर्मली यहाँ पे हमने कई बार देखा है कि इस साइड में ना ये वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी यहाँ पर, बहुत अच्छी वाली, कि मतलब यहाँ से पानी बह के आता था और यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी। अभी वाटर क्रॉसिंग है नहीं एक्चुअली। सो गाइस, ये है माना विलेज, यहाँ पे हम बद्रीनाथ के बाद यहाँ पे आए हैं, जो कि लगभग बद्रीनाथ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से एंट्रेंस आपको मिलेगी माना विलेज की, माना विलेज की जो समुद्र तट ऊंचाई है वो लगभग 10,133.5 फीट है, द हाईएस्ट फ्रॉम द सीलिंग। ये
जो धारा है आप देख पा रहे हैं, और ये आज से नहीं, ये धारा है मानसरोवर की धारा। यहाँ पे जो जल आ रहा है वो आ रहा है कैलाश मानसरोवर डायरेक्ट पत्थर ही पत्थर के अंदर में, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये जल है ये मानसरोवर का ही है। सो गाइस, ये है सरस्वती नदी। वेग देखो, वेग कितना ज़्यादा है, ये आप देख पा रहे हो नीचे कि ये नीचे लुप्त हो रही है एक्चुअली। इसके बाद का मतलब कहीं से आपको नहीं मिलेगा, ये एक्चुअली मिल जा रही है प्रयाग हो जा रही है, मतलब अलकनंदा के अंदर मिल जा रही है नदी, और ये आ रही है वहाँ से। बस इतना ही जो आपका यहाँ पे ही दिखाई देगी, इसके अलावा ये आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। बीम पुल तो ये है बीम पुल जो सरस्वती के लिए बनाया गया था। आप देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लोकल्स, ये जो मार्क्स देख रहे हैं आप फ्लो वेव्स इस साइड में, ये आपकी जो है ये वेव्स हैं भीम जी की, तो ये वेव्स हैं फिंगर मार्क्स एक्चुअली। गाइस, ये रास्ता जो आप देख पा रहे हैं पूरा रास्ता, इस रास्ते से पाँचों पांडव स्वर्ग गए थे, स्वर्ग के लिए निकले थे, मगर द्रौपदी जी ने पहले शरीर त्याग दिया, उसके बाद चार पांडव औरों ने त्याग दिया, देन सिर्फ युधिष्ठिर जी सिर्फ स्वर्ग तक पहुँचे थे स्वर्गारोहिणी के थ्रू। तो आप भी ये ट्रैक कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है बद्रीनाथ वालों से, देन आप उस ट्रैक को कर पाएंगे जिसमें कि आपको स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ी और चीज़ें, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की अंतिम दुकान इन। सो गाइज, अभी हम बैठे हैं हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पे, यहाँ पे ले रहे हैं हम चाय की चुस्की, देखते हैं यहाँ की चाय कैसी मिलती है, कैसी है, कुछ अलग है क्या इसमें चाय में। तो ये चाय है और एक्चुअली कुछ अलग नहीं है, चाय बिल्कुल सेम है, बस ये है कि लास्ट शॉप है, तो ये थोड़ा सा एक लगता है अंदर से फील आता है कि हमने लास्ट शॉप पे, इंडिया के लास्ट शॉप पे बैठ के चाय पी है। तो ये है माना के अंदर, माना गांव कहते हैं सर, वैसे इसका पुराना नाम है मणिभद्रपुरी। हम लोगों का कंफर्म नहीं था कि हम लोग कहाँ के हैं, नेहरू जी ने हमारी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। हम लोग 1962 से पहले तिब्बत से व्यापार किया करते थे, बाद में चाइना ने चेक किया इंडिया पे, इंडियन आर्मी विजय हुई। यहाँ भी पहले कहते हैं यहाँ नहीं था, सोलिंग मठ में था तिब्बत में। अच्छा, वहाँ के लोग मांस मदिरा और बड़े बड़े याक होते हैं ना सर, याक का मीट खाते थे, बद्री विशाल को भोग लगाते थे, तो बद्री विशाल से रहा नहीं गया, कहते वहाँ से भाग के यहाँ आ गए थे। अच्छा, और ये कहते जो ना छोटा सा बच्चे का रूप लिया, यही बद्री विशाल का स्थान है। अच्छा, ढूंगी कहते ना, छोटा सा बच्चे का रूप दिया था, तो रोने लगा, देखा नहीं गया, बद्रीनाथ से कहा को मैं अपने वहाँ शरण लूंगी, जो टेम्पल बनाया था बद्रीनाथ का, भोलेनाथ का टेम्पल है। अच्छा, तो जैसे ही वहाँ शरण देने के लिए वहाँ रखा, अपने आप तपत कुंड में स्नान करने के लिए चले गए। अच्छा, वहाँ पे दो कुंड है ना सर, एक जेंट्स का एक लेडीज का, पार्वती तो इधर लेडीज कुंड में नहाती थी, भोले शंकर जेंट्स वाले में, तो उन्होंने स्नान शुरू किया, तो स्नान पूरा होगा कि उसके बाद अपने मंदिर की तरफ चले गए। देखा तो मंदिर का द्वार खुल ही नहीं रहा, काफ़ी धक्का मुक्की करके द्वार खुला ही नहीं, तो भोले शंकर ने कह दिया था, पार्वती मैंने पहले बोल दिया था इस बच्चे को मत उठाना, कह के कोई ऐसे ही बच्चा नहीं है कि जो शंकर मंत्री है, ये तो स्वयं साक्षात विष्णु है, ये दरवाज़ा अब कभी नहीं खोलेगा। तब कहते हैं कि भगवान विष्णु ने रिक्वेस्ट किया भोले शंकर से कि मुझे ये स्थान बहुत प्रिय लगा, ये वैकुंठ नगरी है, मुझे कहीं और स्थान देगा, तो भगवान विष्णु ने फिर उनको वहाँ दिया केदारनाथ में। फिर केदारनाथ यहीं इसी के जस्ट बैक साइड में केदारनाथ लगते हैं, अगर तो शॉर्टकट में जाएंगे तो 5 किलोमीटर, लेकिन पूरा नीलकंठ तैयार हो गया, अब नहीं जा सकते। तो ये जो है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है, चाय की आखिरी दुकान, और ये जो है लगभग 1996 से यहाँ पे अवेलेबल है। पहले यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते थे, अभी टूरिस्ट आने लगे हैं, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन खुल गए हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे चाय फिनिश की है, अभी हम जा रहे हैं व्यास गुफा और गणेश गुफा। तो भाई यहाँ से 5 किलोमीटर आगे वसुधारा है, वसुधारा तक आप जा सकते हैं। वसुधारा के आगे जाने के लिए आपको कई चीज़ें पड़ती हैं, जैसे कि सतोबंत हो गया,
या फिर स्वर्गारोहणी पर हो गया, तो उसके लिए आपको जो है डीएम से परमिशन लेनी होती है। जोशीमठ पीडीएम परमिशन आपको देते हैं, वहाँ से आपको परमिशन लेने के बाद आप ऊपर जा सकते हैं किसी लोकल के साथ में, जिससे कि आप रास्ता वगैरह ना भटक जाए। तो यहाँ से 5 किलोमीटर जो वसुधारा है उसकी जो खासियत है, उसकी बूंद बूंद में हरी हरी का साउंड आपको मिलेगा, ध्वनि मिले मतलब सुन ऐसे लगे थे आपको हरी हरी सुनाई दे रहा है। तो ये यहाँ का इतिहास है। साथ में जैसे कि अंकल जी ने आपको बताया कि यहाँ का जो नाम था पहले मणिभद्रपुरम था, माणा गांव का नाम था पहले मणिभद्रपुरम। सो गाइस, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये है सरस्वती मंदिर, यहाँ पे व्यास जी का मूर्ति भी लगा हुआ है। मगर इस मंदिर का इतिहास ये है कि यहाँ पे व्यास जी आह्वान कर रहे थे श्री गणेश जी का, जो कि महाभारत लिखने के लिए, जिसमें कि वो तपस्या कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे, मगर उन्हें समय से वर्दा डिस्टर्बेंस के बाद उन्होंने सरस्वती जी को श्राप दिया कि आप यहीं पे ही लुप्त हो जाएंगी। तो लुप्त इस तरह की यहाँ की कुछ मान्यता है इस मंदिर की। तो इसी सो लगभग 500 मीटर की हाइक करके हम लोग आए हैं व्यास गुफा। ये आप देख पा रहे हैं व्यास गुफा का यहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ पे गुफा है अंदर, और आप देख पा रहे हैं ये आप अगर ऊपर शिला देख पा रहे हैं, ये इस तरह की लाइक ए बुक। तो ये पोथी, ये है व्यास पोथी, लाइक ए बुक मतलब जैसे बुक बैंड होती है, बंद होती है, उसी तरह से ये आपकी व्यास पोथी है, एज इन जैसे पेजेस निकले रहते हैं उसी तरह से ये शिला की कटिंग है। तो ये आर्टिफिशियल नहीं है ना भैया, ये एक्चुअल ऐसी है। नाइस यार, सीरियसली वही लग रहा बिल्कुल जैसे बुक बंद हो। शिट, नाइस। तो ये एक बार तो ये है व्यास गुफा का एंट्रेंस। तो हम लोग अंदर तो जा नहीं रहे, शूज उतारने का मन नहीं एक्चुअली। सो गाइज, ये है गणेश गुफा, और यहाँ पे पहले गुफा थी, सिर्फ मंदिर नहीं था पहले, अभी मंदिर बना दिया यहाँ पे। वहाँ पे व्यास जी महाभारत बोला करते थे, और यहाँ पे ये गणेश जी लिखा करते थे। ये यहाँ का कुछ इस तरह का इतिहास है, और ये मंदिर है, काफ़ी ऊंचाई पे है व्यास जी का मंदिर और नीचाई पे है गणेश जी का। तो बस यही है यहाँ का